हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातों के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए और हमेशा मुझे अपनी ब्लेसिंग देते रहिए। सूर्या जी, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप भीलवाड़ा में? मैं भीलवाड़ा में पहली बार आया हूँ और यहाँ पे 3 सिनेमा हम लोग करने आए हैं, जिसका एक का नाम है ओम जय जगदीश और दूसरे का गुमराह, तीसरी है हमारी बड़े मियाँ छोटे मियाँ। और इसमें मेन हीरो हैं रवि किशन जी और राजू सिंह माही और मैं मुख्य खलनायक हूँ तीनों पिक्चर का। तो यही है कुल मिलाकर। कैसा लगा भीलवाड़ा शहर आपको? भीलवाड़ा शहर बहुत अच्छा लगा और छोटा है लेकिन बहुत सुकून है इधर। बहुत यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत अच्छी है, स्मूथ है, बहुत आराम, हमारी सेहत फिट हो रहे हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ के जो दर्शक हैं, पब्लिक हैं, कुछ उनसे मिले तो उन लोगों का कैसा लगा, प्यार दुलार आपको? नहीं, यहाँ बहुत रिस्पेक्ट देते हैं लोग आर्टिस्टों को, या बाहर से कोई भी इंसान आता है तो यहाँ पे लोग हम लोगों को बहुत रिस्पेक्ट दिए। अच्छा, इन लोगों का वो मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है। और आपका जो करेक्टर है फिल्म में किस तरह का है? एक फिल्म में नेता हूँ, एक में इंस्पेक्टर हूँ और एक में और बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है, तो तीनों के अलग अलग किरदार हैं। रवि किशन एक मजे हुए कलाकार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, उनके साथ काम करके आपने तो कई फिल्में की है लेकिन हमेशा कुछ नया कुछ करने को मिलता है, उनके बारे में कुछ कहेंगे? रवि किशन जी जो है मैंने अपनी लाइफ का सेकंड टाइम कैमरा जो फेस किया था, हेलो इंस्पेक्टर किया था, वो रवि किशन जी के साथ, और हेलो इंस्पेक्टर से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। हमने भोजपुरी में करीबन 8 के आसपास 9 के आसपास फिल्में साथ में की हैं, जिसमें से 4 बहुत बड़ी हिट हैं, ब्लॉकबस्टर हैं, और ऐसे करते रहते हैं। उनके साथ तो काफ़ी सिनेमा किया मैंने। डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू सूच करना चाहेंगे? डायरेक्टर हमारे अभी, मतलब मैं उनके साथ पहली बार काम कर रहा हूँ और अब तक उनका नाम काफ़ी अच्छा सुना है मैंने, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो मैंने काम किया वो बहुत अच्छा था और बहुत क्लियर माइंड के डायरेक्टर हैं। अच्छा, खलनायक या तो मारता है या फिर मरता है, किस में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है? नहीं, एक्चुअली यार आप देखें तो सिनेमा में खलनायक ही हीरो होता है क्योंकि वो अपनी मर्जी का हर चीज़ कर सकता है। रावण के बगैर राम के जैसा कि, मतलब हीरो इसीलिए वो होता है कि हीरोइन को उसकी जब मर्जी आती है छेड़ लेता है, प्यार कर लेता है। हाँ ठीक है, नाचता नहीं है पेड़ के आगे पीछे, लेकिन और अगर 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 विलेन छेड़ता है तो क्या होता है? अरे भाई बाद में तो मार खा ली लेकिन आम तो चख लिया ने। आप वो समझो ना बात को, मुद्दा तो ये है कि मेन मजा हम ले लेते हैं, बाद में हीरो वगैरह अपना 2-4 मार मूर के अपना कर लेते हैं अपना काम, लेकिन बिना हमारी इच्छा के। तो फिल्म में और कौन कौन से फीमेल एक्ट्रेस हैं इसमें? सोनालिका प्रसाद हैं, प्रीति ध्यानी हैं और तिवारी जी हैं, क्या नाम, संगीता तिवारी। छठ पूजा आज है, कुछ कहना चाहेंगे? छठ पूजा जो है हमारे यूपी बिहार का बहुत ही मतलब दिल वाला पर्व है और हम लोग नंबर 1 पे है, मतलब दिवाली से ज़्यादा बड़ा माना जाता है, होली से ज़्यादा बड़ा माना जाता है, क्योंकि हमारी जो माताएं हैं वो हम बच्चों के लिए व्रत रखती हैं और सूरज भगवान को अर्घ देती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सारे जितने भी भोजपुरी वासी हैं और भोजपुरी सिनेमा को जो देखते हैं, जो प्यार करते हैं हमारे हिंदुस्तान में, उन सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं छठ पर्व की। बहुत बहुत थैंक यू सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.